200 सीसी सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक आरटीआर 200 जो कि टीवीएस की ओर से आती है 4V और वही होंडा हॉर्नेट 2.0 जबकि ये अभी अभी लॉन्च हुई है। आज हम इन दोनों के बारे में जानने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें, थेरेटिकल नहीं, जो कि अपने चैनल की पहचान ही है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक गाड़ी के बारे में कन्फ्यूज हो तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इन दोनों के लुक की, तो ये वैसे भी सब्जेक्टिव मैटर होता है, मैं इस पर कभी भी नहीं बोलता। आप मुझे बताना कमेंट में दोनों में से किसका लुक आपको अच्छा लगता है। वही जब बिल्ड क्वालिटी की बात आती है तो दोनों ही गाड़ियां अपने अपने हिसाब से काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लेकर के मार्केट में उतरती है। फिर भी दोनों में जो प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, हेडलाइट की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, इंडिकेटर्स की क्वालिटी, सीट की क्वालिटी, हैंडल बार की क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी, जितना भी जो भी जहां भी यूज करा गया है अपने आप में बेहतरीन क्वालिटी का है। हॉर्नेट 2.0 का कर्व वेट देखा जाता है तो वो 142 केजी है और RTR का आपको 153 केजी मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में अपने अपने हिसाब से काफी अच्छा बॉडी टू वेट रेशो जो है फिक्स करा गया है, जिनका प्रभाव हाईवे पर भी दिखता है, RTR का थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी बात हम आगे करने ही वाले हैं। जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को किसी खराब रास्ते पर लेकर के जाते हो या फिर ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत पड़ जाती है। जो हॉर्नेट का 167 mm मिल रहा है और RTR का 180 mm मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है और आपको अच्छे से ये सपोर्ट करने वाली है, तो यहाँ पर क्लियर कट विनर निकल कर आती है RTR। अब ये 167 mm का जो मिल रहा है हॉर्नेट में, ये बहुत ही कम है ऐसा नहीं है, लेकिन RTR से हम कंपेयर कर रहे हैं तो कम जरूर है। इनिशियल पिकअप दोनों ही गाड़ियों का बेहतरीन पाया गया है। कम सीसी की होकर भी ये गाड़ी जो है हॉर्नेट RTR को अच्छे से बीट कर लेती है इनिशियल पिकअप में। इसका रीजन है कि इसमें ड्यूअल थ्रोटल वायर लगाई गई है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस मिलने ही वाला है फर्स्ट गियर में, जब गाड़ी आप उठा लेते हो तो उस जगह पे। जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को सिटी में राइड करने के लिए लेकर के जाते हो तो वहां पे सबसे पहला देखा जाता है इन दोनों का व्हील बेस। हॉर्नेट का आपको 1355 mm मिल रहा है, RTR का 1353 mm मिल रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही गाड़ियां सिटी में आड़ी टेढ़ी निकल कर चली आती है और वहीं आप जो कम जगह में घुमा लेते हो दोनों ही परफॉर्मेंस अच्छे से प्रोवाइड कर पाती है। जितनी कम जगह में गाड़ी घूमती है उतना ही सिटी राइडिंग के लिए बेहतर माना जाता है, तो दोनों का परफॉर्मेंस यहां पर भी लगभग सिमिलर है। वही ट्रैफिक में भी दोनों ही गाड़ियों द्वारा अपने आप में बेहतर परफॉर्मेंस साबित हुआ है। कहानी यहां पे पलट जाती है जब हम हाईवे पर इन दोनों को लेकर के जाते हो, क्योंकि अगर हाईवे पर आपने होंडा हॉर्नेट को कुछ हद तक, मतलब 101-102 किलोमीटर पर हवर की स्पीड पर चलाना चाहा तो वहां तक गाड़ी आराम से चली जाती है, लेकिन 105-108-110 वहां तक जाने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल महसूस होता है और वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा, गाड़ी कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पाएगी ऐसा फील होने लग जाएगा। ये कुछ ही लोगों को हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है। लेकिन RTR का अगर मैं कहूं तो यहां पे आपको ये गाड़ी 110-115 किलोमीटर पर हवर तक का स्पीड अचीव कर लेती है और ऐसे में भी काफी स्टेबल चलती है। होंडा हॉर्नेट भी स्टेबल है, लेकिन जितना स्पीड मैंने बताया, जैसे कि 100-101-102-105-103-104 किलोमीटर तक का, ये कहीं ना कहीं स्टेबल महसूस होती है। वैसे बॉडी टू वेट रेशियो इसलिए मैंने कहा था कि आपको जो कर्व वेट है वहां पे फर्क दिखने वाला है, उसका फर्क हाईवे पर दिखता है कुछ हद तक, वो एक चीज है। वही जब आप इन दोनों ही गाड़ियों की कॉर्नरिंग करते हो तो वहां पर भी आपको दोनों ही गाड़ियां अच्छे से सस्टेन कर लेती है। इसका रीजन ये है कि इन दोनों में जो आपको टायर्स मिल रहे हैं वो अपने आप में बेहतरीन मिल रहे हैं। हॉर्नेट के फ्रंट में आपको 110x70 का 17 इंचेस का और रियर में 140x70 का 17 इंचेस का टायर मिल रहा है, जो कि ट्यूबलेस है। वही RTR में भी ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं 90x90 सेक्शन के 17 इंचेस और रियर में 130x70 सेक्शन के 17 इंचेस के जो है ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। तो यहां पे फ्रंट टायर जो है थोड़ा सा ब्रॉड मिल रहा है आपको हॉर्नेट में, रियर में भी कुछ हद तक ब्रॉड है, तो यहां पे फर्क दिखता है। अब आइए बात कर लेते हैं इन दोनों के दिलों की। हॉर्नेट का थोड़ा सा छोटा है, धड़कता भी वैसे ही है, और RTR का उससे बड़ा है, धड़कता भी वैसे ही है। हॉर्नेट में आपको 184.40 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, यहां पर आपको FI मिल रहा है, वही होंडा की अपनी HED टेक्नोलॉजी इसमें लगाकर मिल रही है, और इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और ये जो मैक्सिमम पावर यानी कि मैक्सिमम धड़कने की जो ताकत है इसकी 17.26 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 16.1 Nm का है। ये जो इंजन है काफी स्मूथ है, वैसे भी होंडा है, होंडा के इंजन होते ही स्मूथ है, इसने महारत हासिल कर रखी है इंजन बनाने के मामले में, तो वही परफॉर्मेंस आपको यहां पर दिखने वाला है। और ये जैसे कि मैंने कहा ये 100 तक गाड़ी चली जाती है, इसके बाद भी गाड़ी के इंजन के अंदर किसी भी तरह का नॉक नॉक महसूस नहीं होता है और ना ही किसी तरह का वाइब्रेशन आपको महसूस होता है। RTR का देख लेते हैं, यहां पे आपको 197.75 सीसी फोर स्ट्रोक फोर वॉल ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, ये भी FI के साथ आ रहा है, यहां पर भी आपको सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है
लेकिन जो इसकी इसमें आपको स्लीपर क्लच ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि आपको हॉर्नेट में नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ जो इसकी मैक्सिमम पावर है 20 PS की है, 20.5 PS की है और जो मैक्सिमम टॉर्क है 16.8 Nm का है। इसका भी इंजन काफ़ी हद तक स्मूथ है, 100+ के बाद भी वाइब्रेशन नहीं होता है और ना ही किसी तरह का नॉक नॉक या फिर किसी तरह का आवाज़ इंजन के अंदर से आता है। तो ओवरऑल अगर स्मूथनेस के मामले में पॉइंट्स देना चाहूँ तो डेफिनेटली होंडा का इंजन काफ़ी स्मूथ है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे RTR का भी स्मूथ है लेकिन थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस जब हाइयर स्पीड में आप चलते हो तो कुछ हद तक ज़्यादा नॉइस आने लग जाता है हॉर्नेट के मुकाबले। वही फर्क है, बाकी ओवरऑल दोनों ही गाड़ियों के इंजन अपने आप में बेहतरीन बनाए गए हैं। वो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 5-speed गियरबॉक्स जो है मिल रहा है, लेकिन हॉर्नेट का एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, थर्ड या फिर फोर्थ गियर पर भी आप 20 km/h का स्पीड अचीव कर सकते हो, यानी कि इतने स्पीड पर बाकी दूसरी जो गाड़ियां होती है वो गियर के अंदर से नॉक नॉक आने लग जाता है, खटखट खटखट और फिर गाड़ी बंद हो जाती है, तो वो वाली चीज यहाँ पर नहीं होती है। काफी स्मूथली इंजन को रिफाइन करा गया है, रिफाइनमेंट अच्छे से यहाँ पर हॉर्नेट के इंजन में मिल रही है। तो क्या होता है कि जब आप हाईवे पर होते हो या फिर ट्रैफिक में होते हो तो बार बार गियर उतारना पड़ता है और फिर चढ़ाना पड़ता है हाई स्पीड पर, ऐसा होता है। तो 20 km/h तक भी आप चौथे गियर पर तीसरे गियर पर गाड़ी आराम से चला सकते हो, जो कि यहाँ पे दिक्कतें नहीं आने वाली ट्रैफिक में। वही एक एडवांटेज है RTR के पास, इसमें स्लीपर क्लच जैसे मैंने कहा वो मिल रहा है और इसकी गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, बेहतरीन मिली हुई है। तो आपको सिटी में भी ये क्विकली शिफ्ट होती है, हाईवे में भी क्विकली शिफ्ट होती है, हाई स्पीड पर भी, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, अपनी अपनी कमियाँ भी है, किसी के पास कुछ एडवांटेज है तो किसी के पास कुछ डिसएडवांटेज है, वही चीज़ें हैं। इन दोनों ही गाड़ियों को अगर आप डबल सीट बैठे हो, हट्टे कट्टे बंदे बैठे हो जो कि आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे से अच्छे चढ़ान पर आप चढ़ा रहे हो, तो पुलिंग पावर भी दोनों में अच्छे से मेंटेन करी गई है। दोनों ही गाड़ियों की सीटिंग और सीटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छी है। यहां पर लगभग 800 mm का जो सीट हाइट है मिल रहा है। अगर आपकी हाइट 5.5 feet है या फिर उसके ऊपर है तो आप दोनों ही गाड़ियां आराम से चला सकते हो। अब यहां पे एक चीज है कि हॉर्नेट में जब पिलियन को आप वन साइड बिठाते हो, यानी कि घर में मम्मी है, डैडी है, पापा है, जो भी होते हैं बहन वगैरह, वन साइड में बैठने के लिए आपको हॉर्नेट में दिक्कतें आनी है, RTR पर नहीं। और दोनों का स्प्लिट सीट है लेकिन RTR का जैसे आप इमेज में देख रहे हो थोड़ा सा फ्लैट आता है, तो पिलियन अच्छे से बैठ जाता है सिंगल साइड हो या फिर दोनों साइड हो, वो चीज हॉर्नेट पे थोड़ी मुश्किल है। वही दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन भी अपने आप में बेहतरीन मिलते हैं, हॉर्नेट के थोड़े से अच्छे मिले हुए हैं क्योंकि इसमें फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक मिल रहा है और रियर में मोनोशॉक मिल रहा है, वही RTR के फ्रंट में टेलीस्कोपिक रियर में मोनोशॉक मिल रहे हैं। तो जब आपकी लंबी राइड हो जाती है ज्यादा खराब रास्तों पर तो वहां पर हॉर्नेट आपको थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल एबिलिटी का एहसास दिलाने वाला है। वही ब्रेकिंग में भी आपको अच्छे से पॉइंट्स लेकर के जाता है, क्लियर कट विनर है RTR 200 4V, क्योंकि इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS विद ड्यूअल डिस्क मिल रहा है और हॉर्नेट में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है दो डिस्क के साथ, तो कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा कंट्रोलिंग पावर अपने आप में RTR रखता है। इनफैक्ट RTR की ब्रेकिंग सिस्टम NS200 के मुकाबले भी कुछ हद तक अच्छी मानी जाती है। अब दोनों ही गाड़ियों को डार्क नाइट में लेकर के जाते हो आप और ऐसे में चलना पड़ता है आपको, तो दोनों में LED हेडलैम्प मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है जो कि अच्छे से विजुअल एबिलिटी अपने आप में रखती है। दोनों ही गाड़ियों में 12 लीटर का फ्यूल टैंक तो आपको मिल रहा है लेकिन माइलेज आपको हॉर्नेट का ज़्यादा मिलने वाला है, 40 से 50 के बीच में मिलेगा और RTR में रियल लाइफ में आपको लगभग 35 से 40 के बीच में मिलने वाला है। वैसे भी माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो। वही सीन प्राइस का भी होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है। अगर एक शोरूम प्राइस बताना चाहूँ तो हॉर्नेट 1,26,000 से लेकर के 1,30,000 तक के प्राइस रेंज में एक शोरूम की प्राइस है ये मिल सकती है। RTR का भी लगभग इतना ही है, 1,24,000 से लेकर 1,30,000 एक शोरूम की प्राइस है ये, अलग अलग सिटी में अलग अलग होती है, ऑन रोड कुछ और ही रहेगी। आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर दोनों की प्राइस पता कर सकते हो ऑन रोड आपकी सिटी में कितनी है। वही जब बात कर ली जाए इन दोनों ही गाड़ियों के सर्विस नेटवर्क की या फिर आफ्टर मार्केट सर्विस की, तो देखो यहाँ पे TVS के सर्विस सेंटर्स की जो कंप्लेंट्स है वो आए दिन रहती है। कुछ हद तक अच्छी सर्विस है कुछ सिटीज में इनको कहीं ना कहीं नाराजगी जो है जताई गई है लोगों द्वारा, ये तो सर्विस सेंटर ही जाने क्यों ऐसा होता है। तो फिर भी अगर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो आपको RTR के स्पेयर पार्ट आपको जगह जगह अवेलेबल हो जाएंगे, हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे, ये पहले से चलती आ रही है गाड़ी, हॉर्नेट मार्केट में अभी अभी आई हुई है। अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी में आपको इसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज में अभी देर है, तो ये धीरे धीरे पहुंचेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे, आज की डेट में तो मिलना मुश्किल है। अब आइए मोरल पे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए या फिर किस गाड़ी को किस बंदे को परचेस करना चाहिए और कौन सी गाड़ी को किस बंदे ने अवॉइड करना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे मैं आपका तो नहीं जानता, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन पर्सनली अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मैं RTR 200 खरीदूँ। पहला रीज़न तो मेरा इस गाड़ी को खरीदने का ये है कि देखो इंजन तो मेरे को स्मूथ मिल ही रहा है, साथ ही मेरे को ज़्यादा पावर मिल रही है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है बेहतरीन है, इसमें नेविगेशन मिल रहा है और भी तरह तरह के फीचर्स मिल रहे हैं मेरे को सेम प्राइस पॉइंट पे। साथ ही इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है, लुक भी अच्छा मिल रहा है। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो देखो ऐसा है कि अगर आपका 100 किलोमीटर पर हवर या फिर 105-108 किलोमीटर आपके लिए सफिशियंट है स्पीड, तो आप होंडा हॉर्नेट की ओर जा सकते हो। वही अगर कुछ अलग लुक आपको चाहिए, आप होंडा के फैन हो यानी कि होंडा के इंजन आपको पसंद होते हैं, तो आप हॉर्नेट 2.0 ले सकते हो। वही अगर आपकी अक्सर लॉन्ग राइड हुआ करती है, आपको हाईवे पर ज्यादा चलना पड़ता है, थोड़े से फंकी टाइप के राइडर हो आप, आपको अक्सर स्पीड पसंद है और जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है वो भी आपसे मैच होती है, तो आप RTR ले सकते हो। वही अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा ट्विटर फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके जो कुछ क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।